फरियादियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता और उनके साथ आए नौनिहालों के प्रति स्नेह अनुराग, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह सहज कार्यशैली सबको अपना मुरीद बना लेती है। हर बार की तरह मंगलवार को भी सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में ऐसा ही दृश्य देखने को मिला। करीब 2 घंटे तक सीएम योगी जनता दर्शन में मौजूद रहे। फरियादियों की भीड़ में एक एक फरियादी तक खुद जाकर उनकी पीड़ा सुनी, उसे महसूस किया और समस्या के त्वरित निराकरण का निर्देश अधिकारियों को दिया। अफसरों को हिदायत देते हुए दो चूक कहा, प्राथमिकी दर्ज करने और अपराधियों पर सख्ती में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार के बाहर आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 चरणों में करीब 600 लोगों की समस्याएं सुनी। उनके प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को हस्तगत करते हुए निर्देशित किया कि हर मामले का निस्तारण संतुष्टिपरक होना चाहिए ताकि कोई भी फरियादी परेशान ना हो। एक फरियादी ने सीएम को बताया कि कुछ लोग घर से लड़के को बुलाकर ले गए थे, 4 दिन बाद उसकी लाश मिली थी, मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। इस पर मुख्यमंत्री ने फरियादी को आश्वस्त किया कि वह चिंता मत करे, कार्रवाई कराकर न्याय दिलाएंगे। उन्होंने एसएसपी को उसका प्रार्थना पत्र देते हुए त्वरित एक्शन लेने का निर्देश दिया। एक महिला ने बैंक में रुपया जमा होने के बाद भी बैंक से जमा संबंधी कागज ना मिलने की शिकायत की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि यदि रुपया जमा हुआ है तो जमा का कागज दिलाया जाए या महिला का रुपया बैंक से वापस कराया जाए। जनता दर्शन में कमिश्नर रवि कुमार एनजी, डीएम कृष्णा करुनेस, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोअर आदि मौजूद रहे। जनता दर्शन में अपनी माताओं के साथ आए नन्हे मुन्ने बच्चों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्यार, दुलार व आशीर्वाद मिला। उन्होंने बच्चों का हालचाल पूछा, पढ़ने के लिए प्रेरित कर उन्हें चॉकलेट गिफ्ट किया। सीएम योगी ने जनता दर्शन में आने के पूर्व गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन किया। उसके बाद ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर माथा टेक आशीर्वाद लिया। भ्रमण करते हुए गौशाला पहुंचे और गो सेवा की, गायों बछड़ों को चना और गुड़ खिलाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गो प्रेम और गो सेवा के लिए विख्यात हैं। गो वंश के प्रति उनके स्नेह का असर यह है कि उनकी एक आवाज पर गोरखनाथ मंदिर की गौशाला के गो वंश दौड़े चले आते हैं। मंगलवार सुबह मंदिर की गौशाला में जैसे ही योगी ने गौरी श्यामा का नाम लेकर आवाज दी, गाय व बछड़े झूमते हुए उनके पास आ गए। योगी ने सभी गोवंश को अपने हाथों से गुड़ चना खिलाकर दुलार किया। पैसा जमा कर बैंक पर।
तारीख को लड़का 5 बजे बुला के अजीत सिंह बुलवाए गोलू और उसने एक लड़के से और 9 तारीख को घर के बगल में लाश मिली। इसको साफ केस कार्रवाई नहीं हुई, पैसा लीजिए कुछ नहीं, चिंता मत करें, हम कार्रवाई करेंगे।